हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। नया बार नई दिन की शुरुआत होगी। मैं आपका समरियांशी नेगी, तो चलो एक नए ब्लॉग को शुरू कर दें। सो गाइस, आज है मंडे और सुबह सुबह लग गई है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश, और यहाँ पर साथ में पानी भी बहुत उछड़ रहा है, पता नहीं क्यों। और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है, जो रिया भैया है उनका भुल्ला हो गया, मतलब हमारा भी, तो चाची का लड़का हो चुका है, और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। हम चार बहनों का एक लौता भाई, और इतनी खुशी हो रही है ना, अब हम भी रक्षाबंधन पर अच्छा राखी बांध सकते हैं। मतलब भाई साहब क्या ही बोलना, हम बहुत ही खुशी हुई हमको। और आज अभी चाची के घर में भी आएंगे, अभी रिया पिया ये को हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे चाची उनके भल्ले से मिलवाने के लिए, और मैं भी जाऊंगी, तो आपको ब्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगा कि कैसा उर्खा है और किस हॉस्पिटल में है। तो इनसे पूछते हैं कि कैसा फील हो रहा है आपको। रिया, आपका भुल्ला उर्खा है, आपको कैसा फील हो रहा है, क्या नाम रखोगे आप उसका? ये तो बहुत खुश है, रिया पिया इतना खुश उर्खे ना, हमसे भी ज़्यादा, हमसे तो होंगे ये इतना खुश हुए ना, जब हमने इनको बोला कि आपको तुम्हारा भुल्ला और का, तो इतना खुश हुए ना, तो पिया से पूछते हैं, वो तो बहुत खुश है। पिया, आपको कैसा फील हो रहा है, आपका भुल्ला और खा है? अच्छा अच्छा, और क्या बोलें, क्या रखा जानते ना है? अच्छा। सो गाइज, अभी मम्मी ये मम्मी पापा चले गए हैं हॉस्पिटल चाची चाची को देखने के लिए, और मैं यहाँ पर घर पर हूँ और रिया पिया को देख रही, और अभी मैं यहाँ पर घर की सफाई कर देती हूँ, उसके बाद आपसे बाद में मुलाकात होगी। और चाचा भी आ गए हैं, चाचा ड्यूटी पे गए थे कल रात को, क्योंकि थोड़ा सा काम था इसीलिए अभी चाचा आ गए हैं, दो तीन दिन की छुट्टी में शायद से। और अभी अंडा भी बनाया था हमने, ऑमलेट, और रिया पिया तो चाचा के साथ है, और मैं यहाँ पर अभी सफाई कर रही हूँ, एकदम साड़ी बिठा रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ, तो बने रही ब्लॉग में। सो गाइज, अभी मैं हो गई हूँ तैयार चोपता जाने के लिए, रिया पिया जो है वो भी हो गए हैं तैयार, और अभी यहाँ पर कर लिया हमने गाड़ी बुक, और चाची रिया पिया जाएंगे अपने नानी गांव, और तो उनको वहाँ छोड़ेंगे। उनका गांव है चोपता की साइड कहीं पर, मुझे याद नहीं आ रहा है उस गाँव का नाम, पर वहीं है, तो हम चोपता तक इनको छोड़ेंगे, उसके बाद हम घर वापस आ जाएंगे। और गाड़ी बुक भी है तो मैं भी चल रही हूँ, पता नहीं क्यों मैंने सोचा मैं भी घूम घाम के आ जाती हूँ और ब्लॉग भी बन जाएगा। तो चलते हो, एकदम तैयार हो गए हैं हम लोग सारे, तो चलते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। आपको अच्छा। ये देखो कैसे बन के जा रहे हैं, ये जैसे कि कहाँ जा रहे तुम? केदारनाथ? ऐसे जैकेट पहन के मजाक कर रहे हैं, अपने भुल्ले को देखने के लिए एक्साइटेड हो हैं? खुशी मिल रही है आपको अपने भुल्ले को देखने के लिए हैं भैया? फाइनली आ गई है बुक्ड गाड़ी, अभी चलते हैं हम लोग। टाइटन देखो, तो गाइस बैठ गए हैं हम गाड़ी में, अभी चलते हैं। इन दोनों को उल्टी होती है, बट देखते हैं फिर क्या होता है। सो गाइज, अभी हम लोग हॉस्पिटल के बाहर पर रुक गए हैं, और मम्मी जा रही है चाची और छोटे भुल्ले को लेने के लिए, और मेरे पास है पिया, और अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अब मम्मी आएगी तो हम लोग फिर चलेंगे। अभी देखते हैं कब तक आती है मम्माज एंड चाचीज। गाइज आ गई, और ये देखो कितना क्यूट, चाची कड़े फील हो रहा था। ये देखो गाइस, ये रहा हमारा क्यूट बेबी, सो रखा तो आना रे कड़े तो मेरे करौनी है। ये नाक क्या बोलियो बा, देर मत दवाई लाइक खा, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग उठ गए हैं पता नहीं कहां पर, और मैं आपको भुल्ले को बताती हूं। ये देखो पिया कैसे पतोल रही है अपने भुल्ले को, अच्छे लग रहे हैं। हाँ, एक कुत्ता नहीं छोड़ना,
सो गाइस अभी हमारे परिवार में एक और सदस्य जुड़ चुका है वैली पहाड़ी के YouTube चैनल पे दिखेगा ये। ये है शॉर्टकट गाइस, अभी हम लोग हैं चुकता मार्केट में। मेरे पास इठाई जी तो गाइज अभी हो गया है दिन का टाइम और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्सल लेने के लिए साइन कंप्यूटर में, मतलब जवानगर में। और आगे आगे बताती हूँ मैं आपको कि क्या है क्या क्या नहीं है, सब चीज़ बताऊँगी। अभी अभी जल जल चलते हैं, देर हो गई है बहुत। गाइज ये आ गया हमारा पार्सल, अभी हम लोग चलते हैं, आपको और बताती हूँ मैं आपको आगे। सो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था सीन। तो अभी हम मतलब थोड़ी देर पहले 2 या 3 बजे हम लोग, नहीं 3 बजे हम लोग चाची इनको छोड़कर चोपता से अपने घर आ गए थे, मतलब पहुँच चुके थे, खाना भी खा लिया था, सो गए थे। मैं भी सोने वाली थी तब तक कॉल आया मीशो का कि पार्सल आया है। मम्मी पापा दीदी सब लोग सो गए थे और मैं भूत जैसे उठी हुई थी और मैंने उठाया फ़ोन, फिर मैंने कहा आ रही हूँ। मतलब मैं तो तैयार हो गई एकदम, सर बांध लिया, कपड़े पहन लिए, सब कुछ तैयार हो गई। फिर सास ने फिर पता नहीं मेरा मन नहीं किया जाने का। उसके बाद फिर ये पार्सल था मम्मी का, मतलब मम्मी ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है मेरे लिए, मतलब कि क्या बोलते कि इतनी छूट दी है व्लॉगिंग करने की, वीडियो बनाने की इतनी ज़्यादा। तो मैंने सोचा आज मम्मी के लिए गिफ्ट लाया जाए। हर बार मम्मी अपने पैसों से, पापा अपने पैसों से लाते हैं, तो इस टाइम मैंने मम्मी के लिए मंगा दिया। एक बार हम लोग मीशो पे कुछ सामान देख रहे थे इसलिए मम्मी को ये साड़ी पसंद आ गई और मैंने, मम्मी ने कहा मुझे ये मंगा मजाक में, और मैंने मम्मी को बिना बताए मंगवा दिया। और मैंने बोला भी बहुत बार मम्मी देख लो, एक बार मीशो पे कुछ आया भी है, मम्मा ने नहीं देखा, ट्रस्ट गाइस, पता नहीं क्यों नहीं देखा। तब आज आया ये ऐसे टाइम पर आया, मैं मम्मी पापा दीदी किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, बट दीदी का था ट्यूशन तो वो मैं साथ में चले गई, वो अपने ट्यूशन चले गए और मैं घर जा रही हूँ। तो आ गई है ये साड़ी का पार्सल, अभी मम्मी इसको अनबॉक्स करेगी। अभी मैंने मम्मी को बताया नहीं है, बिना बताए हम लोग मीशो सामान लेने गए हैं। ओ भाई फिर सांस भूल गई, मैं आगे आगे बताती हूँ आपको। तो अभी घर भी पहुँचने वाली हूँ, तो मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसमें क्या है। मैं बोलूँगी मम्मी को कि इसमें है मेरा सामान जो कि मैंने मंगाया था अपने लिए, तो तुम अनबॉक्सिंग करो। मम्मी करेगी अनबॉक्सिंग, उसके बाद मम्मी को सरप्राइज़ मिलेगा और वो खुशी हम लोग कैद करेंगे इस व्लॉग में और आपको देखने को मिलेगा मम्मी का खुशी, मम्मी की खुशी। चलो, और हाँ ये पैसा मेरे हैं, बताने तो भूल गई, मैंने अपने पैसों से मम्मी के लिए ये 2 साड़ी खरीदी है। रेट तब क्या ही बताना, अभी बस मायने रखती है मम्मा की खुशी। तो अभी चलते हैं गाइस, थकान लग गई, बंदर भी हो सकते हैं। ओह माय गॉड, ये हमारी प्यारी मैगी भी ला रखी हूँ मैं। तो मम्मी सो रखी थी, अभी अभी उठ रही है और यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर रही है। करो जल्दी से, टॉप जींस साड़ी।
हाँ तो चैन आसान चैन बोल छो पागल छे भाई मैं तो किले सारे किले तो तो कहाँ मंगे नहीं मैंने तो बहुत बार मैंने तो बहुत बार बोल छो कि दियोक दियोक मिस मैंने तो बहुत बार बोल छो दियोक मिस पर तो सामान मंगायो तन सुनी नहीं ढंग से ते पसंद है जे नहीं साड़ी घर पुनो दा दुई दुई साड़ी दुई कलर है कोई बात नहीं रे जो कलर है कासिन बढ़िया जिन घर पुनो सही घर पुनो सही तो चिन दो ते भी तो नहीं पेरी कण है जी बढ़िया छे कर अगेन छे सो की बढ़िया कण सही चिन कण आई लगी तो गिफ्ट पहली पहली तो तेरे लिए मैंने बुक 600 खेलिन तो तब मंगे तन बोल छो मतलब ये अच्छी लगी पर मतलब मंगो प्लीज प्लीज मैं मंगे ली तभी तो जय आना मैं देरी तब मैं वो माँ को प्लीज चल से फट तो यार हुए बह हाँ जब 300 ने माँ के लिए थी सही चीज ना मस खुलो दो पूरी खुलो दो ये देखो गाइस मम्मी के लिए इतनी मस्त साड़ी मंगा रखी है आज पहली बार अपने पैसों से ये वही देखो ये भाई भी क्या मस्त है ना खुश तो हो रे तेरो हाँ क्या मस्त लग रहा था पर नवा कड़ा लगी था ये गिफ्ट थैंक यू टू ऑल तो ये सरप्राइज गिफ्ट है पता ही नहीं चले हम उनका मंगे हैं कब लिया है पानी पूरी था का नाम पैक पर अंदर देर थी उड़ी ले तो तक कचर बचर भी ये मम्मी ने फोल्ड कर दी है फिर से साड़ियाँ ये दो साड़ियाँ ग्रीन रेड और ग्रीन कलर की साड़ी मम्मी के लिए तो गाइस मम्मी नींद से उठी हुई थी और मम्मी के चेहरे पे जो स्माइल आई उससे आए हाय हाय तो यही खुशी देखना चाहती थी मैं अपनी ममास के चेहरे पर ये साड़ी ला के मजा आ गया मेरे टॉप भी ला रखे थे मतलब मंगवा रहे थे वो पता नहीं क्यों कैंसिल हो गए बट कोई बात नहीं मम्मी का ऑर्डर नहीं हुआ कैंसिल बस हैप्पी फैमिली सो गाइस अभी हो गया है शाम का टाइम और अभी हम लोगों ने चाय पी ली है वो अलग बात है मैं चाय नहीं पीती हूँ मतलब हमने पी ली है समझो और केदारनाथ यात्रा में मतलब जो जो टूरिस्ट आए थे यात्री आए थे उनको भी पुलिस वालों ने रोक दिया गया है कहीं पे श्रीनगर में कहीं अगस्त मुनि के फील्ड में क्योंकि केदारनाथ वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बर्फ़बारी हो रही है और यात्रियों के बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो रखे हैं इसीलिए उनको रोक दिया गया है पता नहीं मुझे इतनी खबर पता चली है और आगे रात भी हो गई है और रिया पिया को हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि अभी तक वो चिल्ला रहे रहते थे मज़ा आती थी उनके साथ बहुत उधंग मचाते थे वो जब वो होते थे तो हमको उनको डांटते थे कि तुमने यहाँ ख़राब कर दिया वहाँ ख़राब कर दिया अब वो चले गए थे सूना सूना लग रहा है अभी छुट्टियाँ भी पड़ने वाली है जून में तो अभी बहुत लंबी छुट्टी पर जा रहे थे वो लोग तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं